तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड टुडे इज 10th ऑफ अगस्त 2020 और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाली। पिछली दो वीडियोस जो थी उनसे भी ज़्यादा हार्ड होने वाली ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो कॉलेज वालों, जो इंसानियत नाम की एक चीज़ होती ना, वो भी पार कर दी भाई, वो भी नहीं रखी। एक ऐसे केस को हम उठाने वाले हैं और ये केस है MIT कॉलेज मेरठ का। इस वीडियो के अंदर आपको कॉलेज वालों की क्रूरता देखने को मिलेगी कि भाई वो फीस निकलवाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार सीरियसली बताओ ना, मेरा ना इंसानियत के ऊपर से मेरा यार भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि कॉलेज वाले जो फीस के नाम पर जो हैरेसमेंट करते हैं ना बच्चों का और बच्चों के पेरेंट्स का, वो इंसान नहीं कर सकता है। वो कोई भी जो समझदार इंसान होगा वो नहीं कर सकता। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, ये ध्यान से सुनो, उसके बाद में आप बताओ कि इंसानियत बची है या नहीं बची है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये ऑडियो सुनने के बाद में आप कहो कि भाई इंसानियत है इनके अंदर। जीने में रहते हो तो तुमने किससे बात की? रजिस्ट्रार से बात की? हाँ, रजिस्ट्रार सर को मैसेज गया, शैलेश सर हैं, उन्होंने की फीस भरो, बस फीस भरो। यस सर, फीस भर दो। तो सर फीस का तो टाइम 14 तारीख तक तो था सर, 14 तक तो सर टाइम मिलना चाहिए सर, ऑफिशियल टाइम है वो। तो जो मेल आई है वो 14 अगस्त तक टाइम दिया हुआ कि फीस भरनी है आपको। एक काम कर, 14 को कोई दिन नहीं है, 5-6 दिन है, बिना पढ़ाई के अपना ऐश कर आराम से बैठ के घर पे, 14 तारीख को फीस भर दियो, ठीक है भाई? बाहर की आईडी से फैकल्टी डिस्टर्ब होती है, उसको तुझे एडमिन करना पड़ता है। तो सर हम शुरू में बात कर लेते हैं सर, पर्सनल सर 2-3 दिन से भी तो सर एक्सेप्ट कर ही रहे थे सर, पूछ के बताया था प्रॉब्लम, बोले पर्सनल से करो, आज वो उन्होंने इस बात का ही मना कर दिया। हाँ तो पर्सनल से मत करो, तुम रहने दो, ठीक है? ठीक है, चलो। ये ऑडियो क्लिप सुनने से पहले मुझे लगता था कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो समझदार लोग होते हैं, उनके अंदर इंसानियत होती है, लेकिन ये ऑडियो क्लिप ने इसने जो है प्रूव कर दिया कि इंसानियत कुछ नहीं होती है इनके लिए। इनके लिए इंसान कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी कुछ भी करवा सकते हैं ये। जब ये एक गरीब किसान के बेटे को ये बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा है फीस जमा कर, उसके बाद में ही तू वो करियो, क्लास कर ले, और जबकि सर्कुलर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, सर्कुलर में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है 29 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त के बीच में आपको फीस सबमिट करनी है, और ये कॉल रिकॉर्डिंग है 6 अगस्त की। अगर आपने 14 अगस्त का तक का अगर आपने टाइम दिया है स्टूडेंट्स को फीस सबमिट करने के लिए, तो क्लास क्यों नहीं करने दे रहे हो? जो 4 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो क्लास क्यों नहीं करने दे रहे हो? बच्चे को क्यों भगा दे रहे हो? जब टीचर भगाता है तो रजिस्ट्रार के पास भगाता है टीचर, और रजिस्ट्रार के पास जाओ तो रजिस्ट्रार बोलता है कि भाई फीस सबमिट कर दो, और जब मैनेजमेंट के पास जब कॉल किया कि सर मैंने आपको सर मजबूरी बताई कि मैं सर पैसे क्यों नहीं जमा कर पा रहा हूँ, अभी मैं कर दूंगा, 14 तारीख सर लास्ट डेट है, तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि 14 तारीख आने में 6-7-8 दिन है, तब तक बैठ घर पे आराम से मजे करो, जब फीस जमा कर दियो तब आ जाइयो। MIT कॉलेज का कोई भी मैनेजमेंट का बंदा देख रहा है ना, और स्पेशली वो बंदा जिसने ये रूल लागू किया है कि पहले फीस जमा करो तभी आप क्लास अटेंड कर सकते हो, शर्म कर लो, शर्म, सीरियसली बता रहा हूँ, चुल्लू भर पानी लेकर तुम डूब मरो, चुल्लू भर पानी है ना, चुल्लू भर पानी में तुम डूब मरो। मतलब तुमने 14 तारीख तक की तुमने टाइम लिमिट दी है कि भाई 14 तारीख तक तुम जो फीस सबमिट कर देना, और फिर भी नहीं, 14 तारीख से पहले भी बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने दे रहे हो। और तुम लोगों की और हैवानियत और क्रूरता की बात बताऊं, जो मेंटली जो बैसी वाली नहीं, मेंटली जो आप हैरेसमेंट करते हो, जो मेंटली टॉर्चर करते हो बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को, उसका एक और एग्जांपल है कि भाई साहब 14 तारीख तक फुल फीस सबमिट करो, नहीं तो आपके पास में 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपके पास में फाइन जाएगा। एक बात बताओ सर, प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है, जहां पर डेली के बेस पर 50 से 60 हज़ार जहां पर डेली कोरोना वायरस के नए केसेस आ रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई है, लोगों की सैलरी नहीं मिली है, आपका धंधा चल रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हर किसी के पास में पैसा, हर किसी का धंधा चल रहा है। गरीब किसान के पास में खेती बेचने के लिए जगह नहीं भाई, कहां बेचे जाके, मंडी खुली नहीं है, और बात करते हो कि तुम इंसान हो, तुम समझदार हो, साला जब मैं बता रहा हूं डबल फेस इतने ये लोग हैं, ये लोग इतने डबल फेस हैं कि भाई साहब जब एडमिशन लेने के लिए जाओ तब तो पेरेंट्स के सामने कि भाई साहब अरे बच्चे तो हमारे आपके जैसे हैं, वैसे हमारे लिए भले सब बच्चे बराबर हैं और सबको हम प्यार से पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाना हमारा काम है, संस्कार देना और ये चीज़ें करना हमारे लिए हमारा काम है, इतने पैसे हो, उसी के बाद में हैरेस करते हो उन्हीं बच्चों को, उन्हीं पेरेंट्स को फीस के नाम पे, और वो भी इलीगली, क्योंकि ये जो तुम काम कर रहे हो ना, बच्चों को क्लास ना लेने देना 14 तारीख से पहले पहले,
ये इलीगल है। जब तुमने 14 तारीख तक की जब तुमने डेट दी है कि 14 तारीख तक तुम फीस सबमिट कर सकते हो, तो उससे पहले तुम कौन से अक्षर तुम बच्चों को ये बोलो कि तुम क्लास नहीं कर सकते हो। ये तो चलो फीस सबमिट करने वाली बात हो गई, अभी जरा इनकी ना एक बार हम फीस देख लेते हैं, ये कितनी चार्ज कर रहे हैं। आपके पास में स्क्रीनशॉट इस साइड में आ रहा होगा, जो सर्कुलर आया है बच्चों के पास में, जो सर्कुलर भेजा है उसमें इन्होंने बोला है कि 1,06,513 रुपए इन्हें फीस जमा करनी है। और जबकि गवर्नमेंट की जो फी फिक्सेशन कमेटी है उसकी तरफ से सीधा सीधा दिया गया है कि भाई 55,000 रुपये फीस है। तो मेरा सवाल मैनेजमेंट से ये है कि भाई 51,513 रुपये तुम किस चीज़ की फीस मांग रहे हो, किस चीज़ के एक्स्ट्रा ये पैसे ले रहे हो, फैसिलिटीज़ के, कौन सी फैसिलिटीज़ तुम प्रोवाइड करवा रहे हो बताओ जरा। फैसिलिटीज़ के नाम पर तुम 0 अंडा प्रोवाइड करवा रहे हो। इंटरनेट के जो जो फैसिलिटी के नाम पर जो एक चीज़ लग रही है बच्चों की तरफ से वो इंटरनेट पैक, वो भी बच्चे अपनी तरफ से भैया पैसे इधर उधर करके अपना इंटरनेट पैक भरते हैं, क्योंकि 1 GB 1.5 GB में तो काम चलता नहीं आपकी, अगर जूम क्लास चलती है मॉर्निंग से इवनिंग तक नहीं चलता है काम, तो वो तो भैया उन्हें भरवानी पड़ेगी ना, मजबूरी है, क्लास करनी है भैया, डिग्री करनी है। और आयरनी है कि भाई साहब बच्चे उस चीज के लिए अब इंटरनेट के लिए अलग अपना पे कर रहे हैं, प्लस 51,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्यों पता नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले जो है ना उनको केवल धंधा चाहिए। सीरियसली शेम ऑन यू MIT कॉलेज, सीरियसली मैन, जिसने भी ये चीज बनाई है ना, जिसने भी ये चीज बनाई है कि 1,06,000 रुपये फीस आप चार्ज करोगे, प्लस 14 तारीख से पहले पहले जो बच्चे फीस सबमिट नहीं करेंगे उनको क्लास से निकाल दोगे, क्लास ही नहीं लेने दोगे। और टोन देख रहे हो भाई साहब वीडियो में, मतलब क्या क्या प्राउड फील हो रहा है ना तुम्हें, एकदम छाती ठोक के, अरे पहले फीस दो, हमारा कॉलेज है। एक काम करना, एक सजेशन है आपके लिए, एक बार जाकर के अपने माँ या पापा के पास बैठने जाके, माँ बाप के पास एक बार बैठना जाके, और उनको जो काम तुम अभी स्टूडेंट्स के साथ जो काम तुम कर रहे हो ना, एक बार उनसे उनको बताना कि मैं ये काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, क्या ये सही है या गलत है, पता लग जाएगा आंसर, तब भी भरोसा ना हो ना, एक बार खुद के ऊपर एक बार जरा रख के देखना कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज वाले अगर ये कर रहे होते, तुम्हारे माँ बाप को ऐसे अगर परेशान कर रहे होते, क्या बीतती तुम्हारे ऊपर। पढ़े लिखे हो भाई, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, इतनी सी तो शर्म कर लो, खुद को पढ़ा लिखा बोलते हो, अबे तुमसे तो अच्छे गमार हैं वो, जो जो भैंस चराते ना वो गमार अच्छे हैं तुमसे, कम से कम उनके अंदर इतनी इंसानियत तो है कि भाई ठीक है दो, वो इतना कर देंगे कि कोई बात नहीं, नहीं है पैसा ठीक है भाई थोड़ा लेट दे दियो, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट भी 3 इंस्टॉलमेंट भी डायरेक्टली 1,06,000 रुपये तुम हमें पे करो आके, तभी तुम एलिजिबल हो क्लास में। और रुको ना, 1,06,000 तुम पे करो, प्लस जो एग्जामिनेशन फीस जो 8,200 जो लगती है वो तुम अलग से एग्जाम उसके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सबमिट करोगे। इन शॉर्ट 1,14,000-15,000 रुपये तुम्हें जमा करने हैं। अब आप ये बोल रहे हो भाई तू तो मेरे कॉलेज का है नहीं, तू क्यों, तुझे क्यों इतनी चुल मची हुई है। तो भाई साहब डरा के धमका के तुमने इतना बच्चों को रखा है ना, किसके नाम पे बताता हूँ, इंटरनल नंबर नहीं मिलेंगे, अटेंडेंस नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी, फेल कर देंगे तुझे, इंटरनल बैग लगा देंगे, इसके नाम पे तुमने जो हैरेसमेंट करके रखा हुआ है ना बच्चों को, कैद करके रखा हुआ है कि किसी ने भी अगर जुबान खोली अपनी, या तो उसके ऊपर फाइन लगाओ 5,000-10,000 का, खुद ही नहीं बोलेगा, खुद ही अपना जुबान नहीं खोलेगा अगर आगे से, या फिर साली अटेंडेंस ही मत भेजो, या फिर डिटेन कर दो, बेस्ट है। मैं केवल एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं मेरी कोई कोई पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, जितने भी कॉलेजेस हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं मेरी किसी से भी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरा बस ये बोलना है कि थोड़ी सी तो इंसानियत बचा के रखो, थोड़ी सी इंसानियत। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरी केवल 3 रिक्वेस्ट हैं कॉलेज से, पहली चीज प्लीज़ ये जो गुंडागर्दी जो आपने चला के रखी है कि 14 तारीख से पहले भी क्लास नहीं लेने दो, प्लीज़ ये बंद करो। दूसरी चीज एक आप एक स्कीम निकाल सकते हो कि 2 इंस्टॉलमेंट बच्चे इंस्टॉलमेंट में फीस सबमिट कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स के ऊपर से भी थोड़ा सा बर्डन कम होगा। भैया गरीब किसान है कहाँ जाएंगे, बिहार झारखंड ये असिस्टेंट यूपी ईस्ट यूपी हर जगह भाई साहब बाढ़ भरी पड़ी है लोगों के पास में, मतलब जान बचाने की पड़ी हुई है, और नहीं आपको पैसे चाहिए, थोड़ा सा थोड़ी सी इंसानियत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ी सी इंसानियत। दूसरी चीज़ सर 50,000 जो आप चोरी के जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, सो कॉल्ड प्रॉफिट जो चोरी कर रहे हो बच्चों से, क्योंकि 1,06,000 तो आपने भाई साहब बता के रखी है ट्यूशन फीस है ये, क्यों बच्चे तो क्या ही ढूंढेंगे जाके, हाँ कोई बात नहीं, इसको यार 20,000 में कर लो, 20,000 कर लो, 30,000 की कर लो, सीधा 50,000, क्यों सर, क्यों गरीब किसान का खून चूस रहे हो, क्यों मारे दे रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि बच्चे कैसे फीस सबमिट करते हैं यहाँ करके,
किसी की माँ के गहने गिरवी रख के जाते हैं, किसी के बाप खेती बेचता है, किसी के बाप जानवर बेचते हैं, तब जाकर के आपका ये आपकी जो जो मोटी मोटी जो रकमें आपने चाहिए ना आपको, प्लीज बंद कर दो। बाकी का स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सपोर्ट मी। मैं ऐसे ही मैं आवाज उठाता रहूंगा, जो भी गलत करेगा उसके अगेंस्ट मैं आवाज उठाता रहूंगा। प्लीज सपोर्ट मी, पीस।